हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी लॉकडाउन के चलते हमने ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो वापस से बनाने शुरू कर दिए हैं। तो आज हम पढ़ते हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें स्थिर वेलोसिटी की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर है। स्थिर वेलोसिटी की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। स्थिर वेलोसिटी के नाम से ही पता है, स्थिर आवेश के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव आदि का अध्ययन होता है उससे स्थिर वेलोसिटी कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल और विद्युत विभव का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वेलोसिटी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ए रेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि देखो रेस्ट चार्ज और मूविंग चार्ज, विराम जो आवेश है, एक मूवेबल जो आवेश है उसके कारण से क्या क्या होता है। जो रेस्ट चार्ज है की वजह से ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब आवेश गति करता है, मूव करता है, तो विद्युत क्षेत्र वे इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ये दोनों प्रकार के विद्युत क्षेत्र वे चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इसके आगे अपन पढ़ते हैं कि कितने टाइप के चार्ज होते हैं। दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब बनता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो, यानी किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो न्यूक्लियस से जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, लॉस हो जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज बनता है। और जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है तो नेगेटिव चार्ज बनता है। इलेक्ट्रॉनों का लेना नेगेटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉनों का देना लॉस हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, प्लस का बनेगा। इलेक्ट्रॉनों का मास होता है 9.1 × 10⁻³⁰ kg, यानी बहुत ही कम नेग्लिजिबल इसका मास होता है, −31 kg × 10⁻³⁰ kg से आप पता लगा सकते हो कि इसका मास इतना छोटा होता है। सेम टाइप के जो चार्ज होते हैं उनके अंदर रिपल होता है, अपोजिट टाइप के जो चार्ज होते हैं उनके अंदर आकर्षण अट्रैक्शन होता है। फिर डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट की, चार्ज की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। डायमेंशन फॉर्मूला आपने 10th क्लास के अंदर एक ये पढ़ा था कि जो करंट होती है, फ्लो ऑफ करंट, वो क्या होता है, क्यू बाई टी, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एम्पीयर करंट। तो करंट के जो फॉर्मूला है उससे अपन निकाल सकते हैं क्यू की डायमेंशन, उसका यूनिट क्या होती है वो भी। तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी, क्या हो जाएगा आई इंटू टी, एम्पीयर इंटू सेकेंड। एम्पीयर को अपन लिखते हैं कैपिटल ए से और सेकेंड को लिखते हैं टी से, तो इसकी डायमेंशन जो बनेगी वो हो जाएगी क्यू इक्वल टू ए टी। डायमेंशन के बाद में इसके यूनिट क्या क्या है, तो एम्पीयर इंटू सेकेंड को अपन लिखते हैं कूलम, जो इसकी ऐसा यूनिट है, जो चार्ज है उसकी ऐसा यूनिट कूलम। इसके और भी अलग अलग यूनिट होते हैं, छोटी स्मॉलर यूनिट भी होती है, जो लार्जेस्ट यूनिट होती है वो फेराडे होती है। फेराडे इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जो सीजीएस यूनिट है वो ईएस होती है, सीजीएस यूनिट ईएसयू। जो फेराडे, एक फेराडे के अंदर 96500 कूलम चार्ज होता है, 1 फेराडे इक्वल टू 96500 कूलम चार्ज। और जो स्मॉलर यूनिट होती है, कैसा यूनिट होती है, मिली कूलम, 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम और 1 नैनो कूलम। 1 मिली कूलम का मतलब होता है 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁶ कूलम और 1 नैनो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁹ कूलम। थैंक यू दोस्तों, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में।